मंगलवार को बल्लभ भवन में एमपी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर भी लगी है। एमपी सरकार की अगली कैबिनेट की मीटिंग रानी दुर्गावती को समर्पित होगी। एमपी कैबिनेट की मीटिंग दमोह जिले के सिंग्रामपुर में 5 अक्टूबर को होगी। सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती के राज की राजधानी रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव दशहरे पर महेश्वर में शस्त्र पूजा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि 5 अक्टूबर की मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में होगी। ये रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के द्वारा सम्मान का प्रकटीकरण है। उन्होंने बताया कि सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस साल दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस के शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। मोहन यादव लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी रही महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे। इसके पहले भी सीएम मोहन यादव ने दशहरा और नवरात्रि को लेकर विशेष निर्देश जारी किए थे। इस वर्ष का दशहरा और आनंद से मनेगा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार और हमारी सरकार के माध्यम से चलने वाले कामों को लेकर के हम धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इन त्योहारों के मनाने में जो मूल हमारी भावना है, देवी शक्ति माँ हमको आशीर्वाद दे ताकि हम सत्कर्म कर सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें। लेकिन इन देवी लोकों में भी निर्माण के विविध पक्ष सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैंने निर्देश जारी किए कि जो जो हमारे पूर्व से निर्धारित निर्माण कार्यों की प्लानिंग बनी है, जिस पे काम हो रहे हैं, उन कामों की प्रॉपर गुणवत्ता के साथ उनकी व्यवस्था देखी जाए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन उपार्जन नीति को भी मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 प्रति क्विंटल घोषित किया है। मंत्रिपरिषद ने यह तय किया कि 25 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक इसकी खरीदी की जाएगी। इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र भी बनाए जाएंगे। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपए घोषित किया है और कैबिनेट ने यह तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 लाख मेट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए, तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर इसी सितंबर में 25 तारीख से अब 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों का। इसके साथ ही एमपी कैबिनेट ने विधायकों के लिए नए घर की स्वीकृति प्रदान की है। भोपाल में विधायक विश्राम गृह की जगह अब नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 159.13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। 5 ब्लॉक में 102 नए आवास बनाए जाएंगे।